من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور हर जान मौत का मजा चखने वाली है और कयामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। बस जो शख्स जहन्नम की आग से बचाया गया और जन्नत में तक वो कामयाब हो गया और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर धोखे का सामान। बात ये है कि मैं और आप सब मरने वाले हैं, हमारे आइज़ा अकारिब, हमारे घर वाले सारे के सारे मौत की वादी में जाने वाले हैं। कुछ जा चुके हैं और जो बाकी हैं वो सब जाने वाले हैं। मौत ऐसी हकीकत है जिससे न किसी को इनकार की गुंजाइश है और न ही कोई उससे बच सकता। अल्लाह की लातादाद रहमतें हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने मौत के आने से पहले जो करने की बातें हैं
उम्मत को वो बतलाएं और मरने के बाद मैयत के आयज़ा खारिब के लिए करने की जो बातें हैं उनसे भी उम्मत को आगाह फरमाया। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से मुसलमान, तालीम याफ्ता मुसलमान, मौत के मुतालिका मसाइल से बहुत हद तक गाफिल है, हत्ता के दीन से कुछ ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौत के मसाइल से गाफिल है। अल्लाह की तौफीक से इरादा किया है कि मौत के मुतालिका मसाइल का कुछ जिक्र हो जाए। आज के दर्स में मौत के मुतालिका जिन मसाइल का जिक्र होगा इंशाअल्लाह, उनकी इब्तिदा है इस बात से कि जिस शख्स पर मौत का वक्त आ चुका हो उसके साथ उसके आयदा वकारिब, उसके अहबाब, उसके घरवाले क्या करें। और अल्लाह की तौफीक से इस बारे में जो बातें अर्ज करूंगा वो शुमार करके करूंगा, साथी जो लिख सकें वो लिख लें और जो तहरीर न कर सकें उंगलियों पे शुमार करें, खुद भी याद करें और अपने घरों में जाकर इन बातों को दोहराएं। और ये बातें कोई फिदाई हवाई बातें नहीं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई बातें हैं और मैं और आप सब और सारे मुसलमान इन बातों के सुनने, समझने, याद करने और इन पर अमल करने के मोहताज हैं। बात नंबर एक, वो शख्स जो मौत की वादी में दाखिल हो चुका हो उसके मुताबिक मसनून बात यह है कि उसे कलिमा तौहीद की तलकीन की जाए। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह रिवायत करते हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन वो बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी तलकीन करो। और ये तलकीन कैसे करें, इसका एक तरीका यह है, जो शख्स दुनिया से कूच कर रहा हो उसके सामने ये कलिमा पढ़ा जाए ताकि उसे भी, ताकि उसकी तवज्जो भी इस कलिमा के पढ़ने की तरफ मबजूल हो जाए और अल्लाह के फजल करम से उसकी जबान पर भी कलिमा जारी हो जाए। और इस बात का भी सबूत हदीस पाक से मिलता है कि मरने वाले को कहा भी जा सकता है कि कलिमा पढ़ो। इमाम अहमद रहमहुल्लाह बयान करते हैं, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन वो बयान करते हैं,
एक अंसारी मुसलमान बीमार थे, उनकी मौत का वक्त करीब था। आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, या खाल कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मामू कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने अर्ज की, फखैरुल अन अकूल ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना मेरे लिए बेहतर है? आपने फरमाया, नाम हां, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना तुम्हारे लिए बेहतर। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि मरने वाले के सामने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए, शोर न डाला जाए, ऐसी सूरत इख्तियार न की जाए कि मरने वाला तंगी महसूस करे। मरने वाले की हालत अजब होती है। अब शोर की सूरत इख्तियार की जाए तो खदशा है कि कहीं वो ऐसी बात अपनी जबान से न कह दे जिससे उसका अंजाम खतरे में दाखिल हो जाए। आराम से, सुकून से, इत्मीनान से उसे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन की जाए। और इस कलिमा के मुताबिक एक बात यह है कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पर इत्तिफा किया जाए या उसके साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा जाए। अहादीस मुबारका में ला इलाहा इल्लल्लाह का ही जिक्र है। अलबत्ता हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह और बाज दीगर मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इससे मुराद पूरा कलिमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी कलिमा की तलकीन के मुताल्लिक एक बात और है कि जिसको मरते वक्त ये कलिमा नसीब हो गया उसको इससे क्या फायदा होगा? इमाम हाकिम और इमाम अबू दाऊद रहिमहुमुल्लाह बयान करते हैं, हजरत मुआस रजी अल्लाह तआला अन वो बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल-जन्ना, जिसकी आखिरी कलाम, जिसकी जबान से निकले हुए आखिरी अल्फाज ये हुए ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल-जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह अपने फजल व करम से हम सबके नसीब में आखिरी वक्त कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह करे। इमाम इब्न अबी हातिम ने एक बड़ा प्यारा वाकया इस बारे में नकल किया है। इमाम अबू जुरा जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी वफात का वक्त आया, उनके अहबाब ने जो उनके पास मौजूद थे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इसका पढ़ना शुरू किया। इमाम अबू जुरा रहमहुल्लाह
उन्होंने साथियों के इशारे को समझा और वो हदीस जो इस बारे में आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई है उसकी इसनाद को पढ़ा। मुझे फुलां ने बतलाया, उसने फुलां से रिवायत की, उसने फुलां से रिवायत की, उसने मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हों से रिवायत की और हजरत मुआद रजी अल्लाह तआला अन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत। और इसके साथ ही उनकी जबान रुक गई और उनकी रूह उनके जिस्म से परवाज कर गए। कितने खुशनसीब थे वो लोग, अल्लाह हम नाकारों को भी उन्हीं में शामिल फरमाए। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी तलकीन के मुताबिक एक और बात यह है कि जब मरने वाला एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और उसके बाद कोई और गुफ्तगू न करे तो फिर उसको दोबारा इस कलिमा की तलकीन नहीं करनी चाहिए। हां अगर कलिमा पढ़ने के बाद और गुफ्तगू करे तो दोबारा उसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन की जाएगी। अगर पढ़ लिया अगरचे जिंदा है लेकिन और कोई बात न की हो तो उसको दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन नहीं करनी। दूसरी बात, आम लोगों में मरने वाले के सामने सूरा यासीन पढ़ने का जिक्र किया जाता है, इस बारे में कोई सही हदीस नहीं। जिस हदीस का इस बारे में जिक्र किया जाता है वो ज़ाइफ है। नंबर तीन, जब मैयत की रूह उसके जिस्म से परवाज कर जाए तो रूह के निकलने पर आंखें मैयत को देखने के लिए खुली की खुली रह जाती है, तो मैयत के अहबाब और घरवालों को चाहिए उस मैयत की आंखों को बंद कर दें। और चौथी बात यह है, खूब तवज्जो करें, वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। मरने वाला जब मरता है उस वक्त उसके पास जो दुआ की जाती है उस दुआ पर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं। उस वक्त अपनी जबानों पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा न हो गम से मुतासिर होकर अपनी जबान से ऐसी बात कहे हम तबाह हो गए, फरिश्ते कहें आमीन तबाह हो जाओ, हम लुट गए हम पिट गए, जैसे कि लोग बहुत से करते हैं। कोई ऐसी बात न निकाले। मैयत के पास उस वक्त जो बोला जाता है अल्लाह के फरिश्ते लोगों के बोल पर आमीन कहते हैं। इस बारे में इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद और इमाम बैहकी रहिमहुमुल्लाह तआला रिवायत करते हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके शौहर मोहतरम हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी मौत का वक्त
आ पहुंचा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी के घर तशरीफ लाते हैं और देखते हैं कि अबू सलमा उनकी रूह उनके जिस्म से निकल चुकी है और उनकी आंखें खुली हैं। फअग्मदहु आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों को बंद कर देते हैं और फरमाते हैं कि जब जिस्म से रूह निकलती है तो नजर उस रूह का ताकुब करती है, लेकिन वो रूह वापस तो नहीं आने वाली, एक दफा निकल चुकी बात खत्म हो गई। जब आपने ये फरमाया कि जब रूह जिस्म से निकल गई, अब आंखें रूह का ताकुब कर रही है, घर वालों को खबर हुई कि अबू सलमा चल बसे, घर में शोर हुआ रोने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदउ अला अनफुसिकुम इल्ला बिखैर फइन्नल मलाइका युअम्मिनून अला मा तकूलून। अबू सलमा के घर वालों होश करो, अपनी जानों के मुताबिक कोई बददुआ न करना, अपने मुताबिक खैर ही की बात कहना, तुम जो बोल रहे हो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते तुम्हारे बोल पर आमीन कह रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अल्लाहुम्मा अग्फिर लिअबी सलमा वरफा दरजतहु फिल महदीयीन वख्लुफ फी अक़बिही मिनल फिल गाबिरीन वख्लुफ फी अक़बिही फिल गाबिरीन वग्फिर लना वलहु या रब्बल आलमीन वफ्सह लहु फी कब्रिह वनव्वर लह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा के घर वालों को ये बात समझाने के बाद हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हों के लिए छह दुआएं की। क्या क्या? अल्लाहुम्मा अग़फिर लि अबी सलमा, ए अल्लाह अबू सलमा के गुनाहों को मुआफ फरमा दे। नंबर दो वरफा दरजतहु फिल महदीयीन, हदायत याफ्ता लोगों में अबू सलमा के दर्जा को ऊंचा कर। वख्लुफ फी अक़बिही फिल गाबिरीन, ए अल्लाह अबू सलमा के पसमानगान के निगेबान और मुहाफिज हो जाइए। वग़फिर लना वलहू या रब्बल आलमीन, ए रब्बल आलमीन हमें और अबू सलमा को मुआफ कर दीजिए। और नंबर पांच वफ्सह लहू फी कब्रे, ए अल्लाह अबू सलमा की कब्र को वसी कर देना। और नंबर छह वनव्विर लहू फीहे, और अबू सलमा की कब्र में रोशनी कर दे। तो चौथी बात ये अर्ज कर रहा हूं, जब फौत होने वाला फौत हो उस वक्त अपनी जबान से कोई गलत बात न निकाली जाए। क्या किया जाए? अपने लिए और मरने वाले के लिए अल्लाह से दुआएं की जाएं कि ये वक्त दुआ की कबूलियत का है। पांचवी बात, मरने वाले के मरने के बाद सब्र किया जाए, मरने वाले के मरने के बाद सब्र किया जाए। और सुन लीजिए और याद कर लीजिए,
जो सबर है, जिसका मुतालबा शरीयत ने किया है, वो है जो सदमा के आने के वक्त, बाद में तो सबर आ ही जाएगा, बहुत सी रोने वालियां, बहुत से रोने वाले कुछ वक्त गुजरने के बाद मरने वालों को मुकम्मल भूल जाते हैं। सबर वो है जो उस वक्त हो जबकि मुसीबत आए। सही बुखारी में है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला वो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सब्र इंद सदमत उला, सबर वो है जो पहले सदमा के वक्त हो, जब वक्त गुजर गया, अब जो सबर आया तो इसमें सबर करने वाले की क्या बहादुरी है, मुसीबत के आने के वक्त सबर करे। और क्या कहे, वो कहे जिसके कहने का अल्लाह ने कुरान करीम में हुक्म दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वो दुआ पढ़े जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखलाई, अल्लाहुम्मा जुर्नी फी मुसीबती व अखलिफनी खैरम मिन्हा, अल्लाह जो मुसीबत मुझ पे आई है मुझे इसका अजर व सवाब अता फरमाना और इसके इवज में मुझे बेहतरीन बदला अता फरमाना। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह वो रिवायत करते हैं, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो बयान करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन तुसीबुहु मुसीबतुन फकाल मा अमरहुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुम्मा काल अल्लाहुम्मा जुर्नी फी मुसीबती व अखलिफली खैरन मिन्हा इल्ला अखलफ अल्लाह लहू खैरन मिन्हा औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो कहे जिसके कहने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाने वाले हैं, और फिर ये दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत का मुझे सवाब अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसकी मुसीबत के इवज में तो क्या मरने वाला वापस आ जाए, मरने वाला भी गया, बदला से महरूम भी हुआ, सवाब से महरूम भी हुआ, और अल्लाह मालिक को नाराज भी किया। मुसीबत के वक्त करने की एक और बात यह है, कसरत से नवाफिल पढ़े। मुसीबत आए नफल शुरू कर दे, खुद अल्लाह मालिक ने मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए दो बातों का हुक्म दिया, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सला, मुसीबत के मुकाबले में अल्लाह से मदद हासिल करो, कैसे, नमाज के साथ और सबर के साथ। सुनन अबी दाऊद ने है, हजरत हुदैफा रजी अल्लाह तआला अन वो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
जब भी कोई गम आता, आप पर कोई ऐसी बात आती जो आपको गम में मुब्तला करती, आप क्या करते? अल्लाह के लिए नमाज को शुरू कर देते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इमाम तबारी रहमहुल्लाह ने उनका एक वाकया नकल फरमाया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सफर में थे, सवारी पे जा रहे थे, उनके भाई कुसम उनके इंतकाल की खबर उन्हें मिली। सवारी से उतरे, रास्ते से हटे और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज से फारिग हुए तो ये कहते हुए उठे, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला, अल्लाह ने कलाम पाक में हुक्म दिया है मुसीबत आए उसके मुकाबले के लिए नमाज पढ़ो, सबर करो और अल्लाह से मदद हासिल करो। तो मैंने क्या किया? नमाज पढ़ी ताकि जो मुसीबत आ चुकी है उसके मुकाबला में अल्लाह की मदद को हासिल कर सकूं। और फिर मुसीबत के मौका पर एक और बात बहुत से घरों में देखी जाती है कि बाज़ दीनदार घराने शरीयत की बड़ी मुखालफत करते हैं, औरतें चीखती चिल्लाती हैं, गिरेबान चाक करती हैं, अपने रुखसारों को पीटती हैं, ये सब बातें हराम। सही बुखारी में है और सही मुस्लिम में है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैस मिन्ना मन ज़रब अल-खुदूद व शक्क अल-जुयूब व दआ बिदअव अल-जाहिलिया, जिसने अपने रुखसारों को पीटा, अपने गिरेबान को चाक किया और जाहिलियत के बोल बोले, फरमाया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये जो औरतें और बाज बेवकूफ मर्द भी ऐसी हरकत करते हैं, उनसे जरा पूछिए, तुम्हारी इन हरकत की वजह से, चेहरे को पीटने की वजह से, गिरेबान को चाक करने की वजह से, या जाहिलों वाले बोल बोलने की वजह से, क्या तेरा मरने वाला वापस आ जाएगा? उसके गुनाह माफ हो जाएंगे? उसके दराजात बुलंद हो जाएंगे? या तेरा नाम अच्छे लोगों में लिखा जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उसका हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं। और कितनी हमाकत की बात है। एक खसारा तो ये हुआ, अपना प्यारा दुनिया से रुखसत हो गया, बाप मां बेटा बीवी खावन वो रुखसत हुआ, और दूसरा खसारा ये कर रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेजारी का इजहार कर रहे। हमाकत की बात है या अकल? बोलिए। एक और हदीस पाक में है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह बयान करते हैं, हजरत अबू मूसा अल आशारी रजी अल्लाह तआला अन इस हदीस के रावी हैं, अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरे अमिन अस्सालिका वल हालिका वशाका, उस औरत से जो बुलंद आवाज से चीखो पुकार करती है या अपने सर को इजहार गम के लिए मुंडवाती है या अपने कपड़ों को चीरती है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेदार हो। कितनी हमाकत की बात है। एक मुसीबत तो अल्लाह की तरफ से आई और उससे बड़ी मुसीबत अपने ये खुद कमा रहा। तो पांचवी बात यह है कि मुसीबत के आने पर सब्र करे, वो दुआ पढ़े जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वो दुआ करे जिसकी हदायत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, न बुलंद आवाज से रोए, न चीखो पुकार करे, न वावेला करे, न गिरेबान को चाक करे, न अपने रुखसारों को पीटे और न ही जबान से कोई ऐसा लफ्ज निकाले जिस पर अल्लाह मालिक नाराज हो जाए। छठी बात यह है कि अगर कोई फौत हो जाए, कितना नेक हो, तवज्जो कीजिए, बगाहिर कितना नेक हो, उसके मुताबिक कतई तौर पर कोई गवाही न दे। आम मुआशे में ये अल्फाज सुने जाते हैं, ये तो बख्शी हुई रूह है, ये तो जन्नती है, लोग कहते हैं ना ऐसी बात। ऐसी बात कहने की किसी को इजाजत नहीं। किसी की बख्शिश है कि नहीं ये अल्लाह ही जानते हैं। कोई जन्नती है या माज अल्लाह जहन्नमी है, हमें क्या खबर है। यकीनी तौर पर किसी के मुताबिक फैसला न करें, हम कौन है फैसला करने वाले। सही बुखारी में है, उम्मुल आला अल अंसारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो बयान करती हैं, एक मुहाजिर मुसलमान हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला, किसी की बख्शिश है कि नहीं ये अल्लाह ही जानते हैं। कोई जन्नती है या माज़ अल्लाह जहन्नमी है, हमें क्या खबर है। यकीनी तौर पर किसी के मुताबिक फैसला न करें, हम कौन है फैसला करने वाले। सही बुखारी में है, उम्मुल आला अल अंसारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो बयान करती हैं, एक मुहाजिर मुसलमान हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब मक्का से मुहाजिर आए, वो हमारे हिस्से में आए, हमने उनकी रिहाश का बंदोबस्त अपने घरों में किया। अल्लाह की कुदरत, बीमार हुए, फौत हो गए। अब जब फौत हुए, उन्हें गुसल दिया गया, कफनाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उम्मुल आला रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने कहा रहमतुल्लाह अलैक अबस साइब फशहादती अलैक लकद अकरमक अल्लाह। ए अबू साइब, वही जो फौत हुए, उनकी कुनियत है अबू साइब और नाम है उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हा, मैंने कहा ए अबू साहिब, मैं तुम्हारे मुताबिक ये गवाही देती हूं कि अल्लाह ने तेरी तकरीम की है, अल्लाह ने तेरी इज्जत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल आला रजी अल्लाह तआला अन्हा उनकी इस गवाही को सुना। आपने फरमाया वना युद्री अन्नल्लाह कद अकरमहु, तुझे क्या खबर है कि अल्लाह ने उसकी तकरीम की है, तूने ये फैसला कैसे सुना दिया। तुझे कुछ खबर है, तेरे पास वही आई, तुझे इस बात के मुताबिक किसने बतलाया
कि अल्लाह ने इस फौत होने वाले मुहाजिर की तकरीम की है। उम्मे आला अर्ज करती हैं, बे अभी अंत या रसूल अल्लाह फमन युक्रिमुहुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, अगर इसकी अल्लाह ने इज्जत नहीं करनी तो किसकी करनी। तवज्जो से सुनिए, और उस्मान कौन है? अल्लाह के लिए अपने वतन को, अपने मालो मता को, अपने आयदा अकारिब को छोड़कर कहां आए हैं? मदीना तैयबा में। तो उम्मुल आला अर्ज कर रही है, अगर इसकी अल्लाह ने इज्जत नहीं करनी तो किसकी करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा हुआ फकद जाअहुल यकीन, जहां तक उस्मान का ताल्लुक है उनको मौत आ चुकी है। वल्लाह इन्नी लअर्जू लहुल खैर, और अल्लाह की कसम मैं उनके मुताल्लिक ये उम्मीद रखता हूं कि उनका अंजाम अच्छा होगा, लेकिन वल्लाह मा अदरी व अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युफ़अलु बी, अगरचे इनके मुताल्लिक मुझे उम्मीद तो है कि इनका अंजाम अच्छा होगा, लेकिन कतई बात कहना ये तो मुमकिन नहीं। फरमाया, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन मुझे खबर नहीं कि मेरे साथ क्या मामला होगा। जब अपने बारे में बावजूद अल्लाह का रसूल होने के अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो उस्मान के बारे में तुम ये शहादत कैसे दे सकती हो कि अल्लाह ने उनकी तकरीर की। उम्मुल आला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौरन अर्ज करती हैं, फवल्लाह मा उज़क्की अहदन बादहू अबदा, जो गलती हो चुकी सो हो चुकी, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं किसी के मुताबिक कभी ऐसी बात न कहूं। तो छठी बात क्या है कि जब कोई शख्स मर जाए कितना बड़ा आलिम हो, हमारी निगाहों में कितना मुत्तकी हो, कितना सालिह हो, उसके मुताबिक सर्टिफिकेट इशू ना करें कि जन्नती है, अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी है, बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर कोई अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दें, उसके मुताबिक भी ये ना कहें ये शहीद, हमें क्या खबर है। हां ये कहें अल्लाह इसको शहीदों में शामिल करे, लेकिन उसके शहीद होने की गवाही देना ये हमारे इल्म की हुदूद से बाहर की बात है, और ऐसा कहना शरी हुदूद से तजावुज है। हां जिसके शहीद होने की गवाही अल्लाह दे, अल्लाह के रसूल दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुताबिक यकीन से कह सकते हैं वो शहीद। उनके सिवा जो अल्लाह की राह में हमारे ख्याल में अपनी जान को कुर्बान करे, उसके लिए दुआ करें अल्लाह इसको शहीदों में शामिल फरमाए। सातवीं बात, जब कोई फौत हो जाए तो क्या आइज़ा अकारिब को, रिश्तेदारों को, अहबाब को उसकी वफात की खबर देनी जायज है कि नहीं। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह बयान करते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन वो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नान नजाशी
फिर यौम अल्लज़ी माता फी, जिस दिन नजाशी हबशा का बादशाह जो मुसलमान हो चुका था, जिस दिन वो फौत हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मौत की इत्तिला अपने सहाबा को दी। मरने वाले की इत्तिला मुसलमानों को अइज़्ज़ा अक़ारिब को दी जा सकती है, बल्कि सुन्नत से साबित है। हां, अब जो वफात का ऐलान है उसमें कसीदा पढ़ा जा रहा है, फुलां फुलां फुलां, ये ज़माना जाहिलियत का दस्तूर है। सादा अंदाज से खबर दीजिए, उसमें कोई फखर की, तकब्बुर की, गुरूर की बातें ना। आठवीं बात, मरने वाला मर जाए, कोशिश की जाए कि उसके जिम्मा जो कर्ज हो उसको अदा किया जाए। तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन वो बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की जान उसके कर्जे की वजह से लटकी होती है, तो मैयत के जो वरासा हैं उसके अइज़्ज़ा अक़ारिब हैं, और अगर उनमें ताकत ना हो तो दीगर जो मुसलमान हैं वो इस बात की कोशिश करें कि मैयत का कर्जा अदा हो जाए। और कर्जे की अदायगी की एक सूरत तो ये है कि फौरन जिस जिस की रकम हो उसको दे दी जाए, और दूसरी सूरत यह है कि मैयत के अकरबा, रिश्तेदार, वरासा या दोस्त या मुसलमान इस बात की जिम्मेदारी ले लें कि मैयत पर जो कर्जा है वो हम अदा करें। तो इस तरह तजहीद और तकफीन से फारिग होने के बाद भी कर्जा अदा किया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी पहले से। और कर्जे के सिलसिले में एक जरूरी बात यह है कि मैयत जो माल छोड़े उसकी तब तक तकसीम न होगी जब तक कि पहले कर्जा अदा न कर लिया जाए। मैयत ने 1 लाख छोड़ा, उसके जिम्मा 50,000 कर्ज है, पहले 50,000 कर्ज अदा होगा, बाद में जो माल बाकी बचे वो वरासा में तकसीम किया जाएगा। नवी बात, मरने वाले का जब मौत का वक्त आए तो क्या कुछ अलामतें ऐसी हैं जिनसे ये अंदाजा हो सके कि इंशाअल्लाह उसका खात्मा अच्छा हुआ है। आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक अलामतें अच्छे खात्मा के मुताबिक उम्मत को बतलाई। उनमें से एक तो वो है जिसका पहले जिक्र हो चुका है कि मरते वक्त जिसके आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल हो। तो अगर किसी मरने वाले को कलिमा नसीब हो जाए तो अल्लाह के फजल व करम से ये इस बात की अलामत है कि उसका खात्मा अच्छा हुआ है। अल्लाह हमारा खात्मा भी अच्छा फरमाए। लेकिन सुन लीजिए और याद कर लीजिए, इसकी बिना पर कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, निशानी है। नंबर 2, मरते वक्त पेशानी पे पसीना आना, ये भी ईमान वालों की अलामत है। इमाम अहमद हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौतुल मुमिन बे अराके जबीन, मोमिन की मौत उसकी पेशानी के पसीने के साथ होती। नंबर 3, अच्छे खात्मा की एक अलामत यह है कि आदमी की मौत उस वक्त आए जबकि वो
किसी नेक अमल में मशहूल। नमाज पढ़ रहा है, मौत आ गई। कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, मौत आ गई। रोजा रखा हुआ है, मौत आ गई। सदका दे रहा है, मौत आ गई। इंशाअल्लाह ये अच्छे खात्मा की अलामतों में से एक अलामत। एक हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात अला शय बुइस अलैह, जो शख्स कोई अमल करते हुए मरेगा, कल कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो वही अमल वो कर रहा हो। लोगो रुक जाओ, और जो बुरा अमल कर रहा होगा वो उठाया जाएगा तो किस अमल में मशहूर होगा? कल छुट्टी तो नहीं है, अब रात को देख रहे हैं कुछ नाफरमानी के प्रोग्राम, मौत आ सकती है कि नहीं? जवाब दीजिए ऊंची आवाज। तो जब उठेगा तो किन लोगों में उठेगा? सुबह के वक्त अल्लाह के नबी की सुन्नत को ज़िबह कर रहा है, उस वक्त मौत आ सकती है कि नहीं? ऊंची बोलो ना भाई। तो फिर जब उठेगा तो जाएगा सीधा हौज़े कौसर पर कि ऐ अल्लाह के नबी, तेरी सुन्नत से इतनी नफरत थी, अब मुझे हौज़े कौसर से पानी दीजिए। लोगों गौर करो, किधर जा रहे? औरत, जवान औरत बेपर्दा बाजार में घूम रही है, मौत आ सकती है कि नहीं? और उसकी कैफियत यह है, पता नहीं, देखने वाला पहचान नहीं सकता यहूदियों की औरत है या ईसाइयों की, सिखों की है या हिंदुओं की, कुछ है फर्क? अब मर जाएगी तो किन लोगों में उठाई जाएगी? तो मौत के अच्छे खात्मा की अलामतों में से एक अलामत यह है कि उस वक्त मौत आए जबकि वो नेकी के अमल में मशगूल हो। और दसवीं बात, और आज के दर्स की आखिरी बात, जब कोई मर जाए उसके कफन में, उसके गुसल में, उसके जनाजे में जल्दी की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्रिहु बिल जनाजा, जनाजा में जल्दी करो। और गुसल किस तरह देना है, कफन किस तरह पहनाना है, और जनाजा किस तरह पढ़ना है, अल्लाह की तौफीक से आइंदा दर्स में इन मौजूआत के मुतालिक या इनमें से कुछ मौजूआत के मुतालिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह मालिक अपने फजल करम से जो सही बात कही और सुनी गई है उसको कबूल फरमाए, कहने और सुनने में जो गलती हुई अल्लाह उसको मुआफ फरमाए, और जो ठीक बात कही और सुनी गई अल्लाह मालिक अपने फजल करम से उस पर हम नाकारों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहां वहां हिंदू पाक में तादियत के वक्त लोग घर में जाते हैं और जाके कहते हैं पढ़ो फातिहा, करो दुआ, इसकी शरी हैसियत क्या है? अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह इरादा है कि मैयत के मरने से लेकर तादियत तक जितने मसाइल हैं तो तफसील से बयान किए जाएं। अल्लाह इस इरादे को पूरा करे। तो अब मुख्तसर तौर पर यह बात अर्ज की जाती है कि ऐसा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये बात मेड इन इंडिया या मेड इन पाकिस्तान, इस बात का ताल्लुक किताब व सुन्नत से नहीं। पढ़ो फातिहा, करो दुआ, हुक्के की नाली मुंह में है, अखबार सामने है, ये अल्लाह के साथ बदतमीजी। आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इस तरह तादियत न किया करते। और अगर कोई शख्स ऐसी मजलिस में शामिल हो तो उनके साथ इस बदतहजीबी में शरीक न हो, उनके साथ दिखाने के लिए हाथ उठा के
दुआ में शरीक ना हो ऐसा करना दुरुस्त है। अगर किसी शख्स पर नहाना फर्ज हो जाए तो क्या खा पी सकता है? जवाब यह है, हाथ धोए और खा पीए, खाने पीने की ममानत नहीं। बल्कि अगर रोजा रखना चाहे, चाहे फर्जी या नफरी, तो इसी हालत में रोजा भी रख सकता है, लेकिन फजर की नमाज से पहले पहले गुसल कर ले। और अगर पानी मुयस्सर ना हो और उस पर नहाना लाजिम है तो क्या करे? तयम्मुम करे, अल्लाह के फजल करम से गुसल भी हो गया और वुजू भी हो गया और नमाज पढ़े। और जब पानी मिल जाए तो फिर गुसल भी करे, और गुसल से पहले पाक होके वुजू करे, गुसल करे, तो फिर दूसरा तरीका अख्तियार करे। लेकिन जब तक पानी मुयस्सर ना हो तयम्मुम करे और नमाजों को अदा करे। एक सवाल यह है, कितनी दफा गुजर चुका है फिर कि दाढ़ी मंडवाने का क्या हुक्म है? अब कोई शक बाकी है? दाढ़ी का मंडवाना हराम है, नाजायज है। अगर कोई शख्स, और हर वो काम जो नाजायज है उसके करने से जो कमाई है वो भी दुरुस्त है। सीधी सीधी बात है, इसमें तो कोई इशा के फर्ज, एक सवाल यह है कि कोई शख्स इशा के फर्ज अब पढ़े और सुन्नते और वितर 12 बजे रात के बाद पढ़े तो उसका ऐसा करना कैसे है? जवाब यह है कि जब इशा के फर्ज पढ़े उसके साथ ही सुन्नते दो पढ़े, वितर चाहे 12 बजे पढ़े, 1 बजे पढ़े, फजर तक जब भी पढ़े ठीक, फजर की अजान से पहले पढ़े, लेकिन सुन्नते वो इशा की नमाज के साथ ही पढ़े। दौरान दर्स एक बात ये गुजरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मैयत के पास हो तो उस वक्त अपने बारे में कोई बददुआ न करो, बल्कि अपने लिए खैर की बात कहो कि उस वक्त तुम्हारी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हर बात पर उस वक्त जो हो आमीन कहते हैं? जो बात हदीस पाक से समझ आती है वो यही है कि जब आदमी अपने ये दुआ करे या बददुआ करे, बददुआ करे तब भी आमीन, दुआ करे तब भी आमीन। ये ईसाले सवाब के मुताबिक सवाल है, इंशाअल्लाह इसके मुतालिक आइंदा दुरूस में तफसील आएगी। दारुल उंदलुस पेश करते हैं इस्लामी सीडी, इस्लामी कैसेट और इस्लामी कुतुब, MPX फिल्टर पर नए तराने और तकारीर की रिकॉर्डिंग, अल कादसिया सीडी कैसेट और कुतुब लाइब्रेरी, 4 लेक रोड, चौबर्जी चौक, लाहौर। फोन 7230549।